खरगोश और कछुआ की दौड़। एक दिन जंगल में खरगोश रहता था। उसको बहुत गर्व था कि वह बहुत तेजी से भाग सकता था, लेकिन कछुआ बहुत धीमे और नादान था, इसलिए खरगोश हमेशा उस कछुए को छेड़ता था। इतने धीरे से चल रहे हो, क्या तुम कम से कम इस जगह से दूसरे जगह जा पाओगे? इस तरह उसको छेड़ता था। तुम इतने धीरे चलते हो कि कभी भी कहीं भी सही समय पर नहीं पहुंच पाओगे, बोलकर हंसती थी। तुम अगर मेरे साथ दौड़ लगाओगे, मुझे तुम्हें हराना बहुत आसान है, ऐसे खरगोश बहुत गर्व से कहता था। ठीक है दोस्त, तुम्हारे खुशी को रोकने वाला मैं कौन हूँ? उस दौड़ लगाने के लिए मैं भी तैयार हूँ, ऐसे कहकर कछुआ भी दौड़ के लिए तैयार हो गया। सोच लो, बाद में ऐसे भी चल नहीं पाओगे, ऐसे खरगोश कछुआ को छेड़ता था। उसको जीतना मुश्किल है, ये मालूम होते हुए भी कछुआ ने दौड़ के लिए आगे बढ़ा। ये बात पूरे जंगल के जानवरों के बीच फैल गया था। कुछ जानवरों ने कछुए दौड़ लगाने के लिए अपमान करता था, लेकिन कुछ और जानवरों ने उस कछुए को प्रोत्साहन भी करता था। दौड़ लगाने वाले दिन जंगल के हर एक जानवर उस दौड़ देखने के लिए उस जगह के पास आ पहुंचे। खरगोश बहुत गर्व के साथ उस मैदान में आया, लेकिन कछुआ ने बहुत विनय और धीरज के साथ मैदान में आ पहुंचा और बंदर को खेल की मध्यस्थ की तरह दोनों जानवरों ने छुने। दौड़ शुरू होते ही खरगोश उसके तेज रफ्तार शुरू किया, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद खरगोश ने मुड़ के पीछे देखा, दूर दूर तक कछुआ नहीं दिखा। हा हा हा, मेरे साथ कभी भी वो कछुआ नहीं जीत सकता, मैं क्यों अपने शरीर को तकलीफ दूं? कुछ देर आराम करके धीरे से उठकर इस दौड़ को मैं बहुत आसानी से जीत लूंगा, ऐसे सोचकर एक पेड़ के नीचे अपने आंख बंद करके आराम से सो गया। कुछ देर बाद कछुए ने अपने धीमे चलन के साथ उस पेड़ को पार कर लिया। पार करते हुए उसने सोते हुए खरगोश को देखा और फिर भी अपने उस धीमे चलन के साथ दौड़ को आगे बढ़ाया। ऐसे ही चलते चलते समाप्त रेखा के पास पहुंच गया। जब कछुआ समाप्त रेखा के पास था, खरगोश अपने नींद से उठ गया। अरे यार, वो कछुए तो बहुत दूर चला गया, मैं क्यों इतना देर सो गया? मेरा गर्व ही मुझे हराने वाला है, ऐसे कहकर अपने तेजी रफ्तार शुरू किया। लेकिन जब तक वह खरगोश आया, कछुए ने समाप्त रेखा को पार कर लिया। जंगल के हर एक जानवर कछुआ को बहुत सारे प्रशंसा दिए और इसी दौड़ से खरगोश भी सबक सीख लिया। सच्ची दोस्ती। एक जंगल में दो लोमड़ियां रहा करती थी जो बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन उनको बहुत प्यास लग रही थी, इसी कारण वो दोनों नदी के पास जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों को एक थैली दिखाई दी। उन दोनों में से एक लोमड़ी ने उस थैली की जांघ पड़ताल की, फिर उसने उसे खोल दिया। अरे वाह, मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मैं तो प्यास मिटाने के लिए नदी किनारे जा रही थी, पर मुझे तो भूख मिटाने रास्ते में ही इतना सारा मांस मिल गया। नहीं नहीं, मैं खुशनसीब नहीं, हम खुशनसीब हैं बोलू। ऐसे कैसे? मांस की थैली तो मुझे दिखाई दी थी ना, तो वो मेरी हुई और इसका सारा मांस भी मेरा है, खुशनसीबी भी मेरी है, हमारी नहीं, मैं ही सिर्फ अकेली खुशनसीब हूँ। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर दूसरी लोमड़ी चुप हो जाती है। पहले जिस कार्य के लिए वो आए थे उसे पूरा करके इस मांस को खाएगा, इसी सोच से उस थैली को लोमड़ी ने अपने मुंह में रख लिया और नदी की ओर जाने लगे। इतनी ही देर में एक शेर की गुर्राने की आवाज पीछे से सुनाई दी। लोमड़ियों ने पीछे मुड़ के देखा, उतने में
एक शेर वहां आ पहुंचा। अरे रे, ये मांस की सुगंध शायद शेर को पहुंच गई। इसी कारण वो यहाँ आया होगा और वो हमें हमारे मांस के साथ खा जाएगा। ओहो, हम नहीं, तुमने अभी तो कहा था कि वो मांस तुम्हारा है, तो शेर भी तुमको खाएगा। दूसरी लोमड़ी तुरंत अपनी जान बचाकर भाग गई। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर हाल में अपनी दोस्ती निभाए। घमंडी हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहता था। वह बहुत घमंडी था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था, तब उसे प्यास लगा। वह एक तालाब के पास पहुंचा। साफ पानी में खुद की परछाई देखने पर वह पानी पीना छोड़कर बस खुद की परछाई को ही देखने लगा। मैं कितना सुंदर हूँ, बड़ी बड़ी आंखें, पान जैसे कान, टेढ़ी सींग और चमचमाती हुई त्वचा। इस जंगल में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई हो सकता है भला? ऐसे उसके शरीर के हर एक भाग का सुंदर वर्णन कर रहा था। इतने में उसकी नजर खुद के पैरों पर पड़ा। तुरंत वह मायूस हुआ। पैर ऐसे क्यों है? बहुत ही पतले, इन्हें देखने से मुझे शर्म आ रही है। आहा, भगवान ने इतने सुंदर शरीर दिया लेकिन ऐसे पैर क्यों दिए, बोलकर उदास हुआ। खुशी से उछलने वाली हिरन के हृदय में बाधा उत्पन्न हुई। काश ये छोटी सी भी कसर ना होती तो कितना अच्छा होता। इतने में उसे कुछ दुर्घटना घटने का एहसास हुआ। आसपास देखने से एक शिकारी पेड़ के पीछे छुपा था। उस जगह से वह तुरंत भाग निकली। शिकारी पीछे पड़ा था। उसके मजबूत पैरों से चंचन कदम रखते हुए तेजी से हिरन सुरक्षित जगह पहुंचने तक दौड़ता गया। अंत में कतरे से बाहर आई हिरन भागना छोड़कर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। हाय, मैं तो बार बार बच गया। वह कतरा टलने के बाद अपने पैरों को देखते हुए कहा कि पहले तो मेरे पैर गंदे दिख रहे थे लेकिन अब अच्छे दिखने लगे। हिरन ने भगवान को धन्यवाद करते हुए अपने गमन को त्याग कर हिरन सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। वादा जान से भी प्यारा है। एक गांव में एक गाय रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही मददशाली था। उसने अपने जीवन में कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी। वो सबके साथ बहुत प्यार से रहती थी। एक दिन वो अपने चारे के लिए जंगल में गई। जब वो चारा खा रही थी तभी अचानक वहां एक शेर आ पहुंचा। वो उस गाय पर हमला करने ही वाला था कि उस गाय ने बोला, शेर जी आप जरा एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? अच्छा, जो भी बोलना चाहती हो तुरंत कह दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर जी, गांव में मेरी एक छोटी सी बच्ची है, वो बहुत भोली है, उसे बाहरी दुनिया का अंदाजा नहीं। जैसे ही मैं उससे दूर जाती हूँ वो मेरे वापसी का इंतजार करती रहती है। अगर आप कुछ समय के लिए इंतजार कर लेंगे तो मैं तुरंत गांव जाकर उससे पेट भर दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, फिर आप मुझे खा लेना। उसकी बातें सुनकर शेर जोर से हंसने लगा। मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ जो तुम्हारी इन माया मुक्त बातों में आ जाऊंगा? मुझे सब पता है तुम मुझे धोखा देकर अपनी जान बचाना चाहती हो। शेर जी मेरा भरोसा करिए, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सच कहती हूँ। मैंने आज तक कभी अपना दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। और वैसे भी आप भी बताइए, ऐसा वादा तोड़कर अपनी बात से मुकर के जीना भी कोई जीना है क्या? वैसे भी एक बात तो सच है, मौत तो हर किसी को आनी है। शायद आज मेरा वक्त है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। जब आप मुझ पे वार करने वाले थे मैं उसी समय समझ गई थी कि ये मेरा आखिरी वक्त है। बस आप एक बार मेरी मासूम बच्ची के बारे में सोचिए जो मेरा अभी इंतजार कर रही है। उसे कुछ अच्छी बुरी बातें सिखानी है, फिर मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी।
बहुत नम्रता और ईमानदारी से गाय ने अपनी बात रखी। ठीक है, फांसी देने से पहले भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तुम्हारे इतना कहने पर मैं तुम्हारी भी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। गांव में रहने वाले जानवरों में भी कुछ ईमानदारी बाकी है, ये आज पता चला। तुम जाओ, तुरंत ही वापस आ जाना। गाय बहुत जल्द अपने गांव वापस आ गई। उसने अपने बच्ची को पेट भर दूध पिलाया, उसे जी भर कर प्यार किया और उसको अपनी जीभ से चाटती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप कभी भी किसी के साथ झगड़ा मत करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, कभी झूठ मत बोलना। अगर आप किसी को कुछ वादा करो तो उस पर पूरी तरह से टिकी रहना। आप अपना ध्यान रखना। हाँ, गाय इसी समय जंगल वापस आ गई। शेर जी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और जैसा मेरा वादा था मैं वापस भी आ गई। अब आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। गाय को देख शेर आश्चर्यचकित रह गया। गाय, तुम बहुत महान हो। तुम अपनी जान की परवाह किए बिना अपने वादे पर टिकी रही। अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो मुझे बहुत पाप लगेगा। तुम अपने गांव वापस चली जाओ और अपनी बच्ची के साथ एक सुखी जीवन बिताओ। वो शेर गाय की इस ईमानदारी के आगे झुक गया और उसे जाने दिया। इसीलिए कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए।